हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो नोट्स यूट्यूब चैनल। एक भाई को क्रिप्टो करेंसी में $5,000 का स्कैम हुआ है और वो चाहते हैं कि इनकी स्टोरी सबके साथ शेयर की जाए ताकि दूसरे ट्रेडर्स भी इस टाइप के फ्रॉड से बच सकें। इस स्टोरी को जरा गौर से सुनिएगा, हो सकता है कि आप भी फ्यूचर में इस टाइप के स्कैमर से बच सकें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरे भी इस टाइप के जो स्कैम्स हैं उनसे बच सकें। अगली आवाज भाई की है, जरा गौर से सुनिएगा स्टोरी को। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अस्सलाम वालेकुम, और तमाम आपके जो क्रिप्टो के मेंबर्स हैं टेलीग्राम के और यूट्यूब के, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेचा कि मैंने आपको अपने भी मैंने आपसे स्टोरी शेयर की थी, मैंने उसकी आपको स्क्रीनशॉट भेजी हैं। काफ़ी पम्प एंड डम्प के ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो मैं उनको काफ़ी दिनों से वॉच कर रहा था, बल्कि आपको समझो वीक काफ़ी वीक से वॉच कर रहा था। तो उनको मैंने ज्वाइन किया हुआ था और वो इसी तरह ही स्टोरीज पहले शेयर करते हैं, हम ये कॉइन इस दिन इस टाइम पे लॉन्च करने वाले हैं, उसका एक हाइप क्रिएट करते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले उसको हाइप क्रिएट करते हैं हम इस टाइम पे, और वो आपको इंटीमेशन देते रहते हैं भाई इतने इतने दिन रह गए, इतने घंटे रह गए, इतने सेकंड्स रह गए हैं, और फिर करते करते वो उसको टोकन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और बस इसी तरह ही मैं काफ़ी दिनों से वॉच कर रहा था और मैं देख रहा था लोग काफ़ी ना इसमें अच्छा प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, और उससे बाद उनको रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं, तो मैं भी इसी वो शिकार हो गया ग्रीडी का। आप लफ्ज़ समझ लो ग्रीडी, जो आपने लफ्ज़ बयान किया था तो वो बिल्कुल सही आपने बोला कि मैं भी इस ग्रीड के अंदर आ गया। तो मैंने फिर मैं सोचा मेरे पास उसका, आप यकीन जाने, $5,000 पड़ा हुआ था, मैंने टोटल ऑन स्पॉट मैंने 5,000 पुट किया अपना, और वो पीक पे ना जाके कॉइन के हिट हुआ। तो अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। तो वो बताते भी हैं कि ट्रेडिंग किस तरह करनी है आपने, कि आपने पहले थोड़ा सा लगाना है, फिर ज़्यादा लगाना है, फिर और लगाना है, तो वो एक्सप्लेन करते हैं ताकि जिस तरह बाकी, मैं उनका नाम नहीं ले रहा चैनल्स का, तो वो इस चक्कर में मैं मिसरा मैंने पूरा अपने जितना मेरा पोर्टफोलियो था मैंने उसमें सारा वो उसमें लगा दिया, बस वो ग्रीड ग्रीड का शिकार हो गया। तो फिर वो होता क्या कि जब वो टॉप हिट हुआ उसके बाद नीचे से नीचे नीचे से नीचे 20% 30% 40% नीचे मार्केट आती गई। अब मैं देख रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। खैर मैंने अपने इमोशन पे कंट्रोल किया। अब वो एक वो फॉर 2 3 4 5 मिनट तक तो वो इस ना गेम होती रही, मैं वॉच कर रहा हूँ, मैंने कहा अब जाएगा ऊपर अब जाएगा, पर वो मार्केट ऊपर नहीं गई दोबारा। तो इवन के वो जहाँ से स्टार्ट गया था उन्होंने उससे भी नीचे करते करते काफ़ी नीचे आ गई थी मार्केट। तो अब फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यार इसको अभी यहाँ होल्ड करते हैं। अच्छा होल्ड करने के बाद फिर वो 1 2 दिन और गुजरे, 3 गुजरे, तो वो करते करते बहुत ज़्यादा डिप में आ गई। तो मैंने इस कॉइन को फिर मैंने सोचा यार इसको होल्ड ही करूँगा, तो उसका कोई और हल नहीं, मैंने 2 3 4 5 महीने इसको होल्ड में रखा, पर फिर वो मैंने इसको हाल यही समझा इसको, फिर मैंने ना नीचे बाइंग की, बाइंग करके इसको एवरेज किया, एवरेज करते 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 फिर एक टाइम आया, फिर मैंने इसको सेल किया, पुल वो भी ब्रेक इवन पे सेल किया, वो भी मुझे 5 6 7 महीने लग गए। तो बताने का मकसद ये है सारी स्टोरी का कि मैंने इसको आपको बल्कि स्क्रीनशॉट भी शेयर की है, तो आप चाहें तो आप अपने ग्रुप में मेंबर्स को सबको बताइएगा इस ग्रिड में ना आइए, कि ये पंप एंड डंप के जितने चैनल हैं वो प्री प्लान होते हैं, जैसा आपने अपने वीडियो में, मैंने यूट्यूब की आपकी वीडियो देखी, जजाकल्ला माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनाई, ये काश 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 मुझे पहले आपकी वीडियो मिल जाती तो मैं इस विक्टम का शिकार ना होता। तो खैर अभी वो मैंने वीडियो देखी है आपको, इसलिए मैंने आपको अपने स्टोरी शेयर की और स्क्रीनशॉट भी दिए हैं, तो आप लोगों को बताइएगा कि इस चक्कर में बिल्कुल ना आए, कि ये लोग पहले से ही बाइंग करके रखते हैं, वो जो आपने बताया सेम मेरा भी ये, मैंने भी इसी को अंडरस्टूड कि मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि ये पहले से बाई कर लेते हैं, और कुछ अपने जो इनके मेंबर्स होते हैं या अपने इनर सर्कल में लोग होते हैं उनको बता देते हैं यार ये कॉइन बाई करके रख लो, हम इसकी हाइप क्रिएट करेंगे, लोग आएंगे शिकार होंगे, तो आप उसको सेल कर देना। सेम यही जो आपने स्टोरी बताई बिल्कुल सेम एज इट इज़ होती है, डिटो ये होता है। तो बाकी आपने माशाल्लाह आपका टेलीग्राम पे जो आप दे रहे होते हैं सिग्नल माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं अपने लॉस मैंने काफ़ी कवर किए हैं। जब आप बोलते हैं ट्रेडिंग ना करो वेट करो, तो मैं उसमें वेट कराता हूँ, उसमें फ़ायदा भी हो रहा है माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं आपको ईमेल करूं या कोई चीज़ें करूं, तो ये एक अच्छा मौका मिला, आपको वॉइस मैसेज शेयर करूं, सब भाइयों को मेरी तरफ से बताइएगा कि यार ये पंप एंड डंप के खसूसी तौर पे इन चैनल्स को अवॉइड करें, अगर ज्वाइन किया हुआ है तो उनको लीव कर दें, ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैंने इसको लॉस बियर किया है। दुआ में याद रखिएगा, सबको सबको अस्सलाम वालेकुम।